الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज्जज बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, गुज़स्ता कुछ हफ्तों से कुर्बानी के उनवान से हमारे सामने बातें चल रही है कि कुर्बानी की हकीकत क्या चीज़ है कि तीन दिन में इतने सारे जानवरों को ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया गया, इसको मालदारों पर वाजिब क्यों करार दिया गया, आखिर इसकी हकीकत क्या चीज़ है। इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सवाल पूछा गया तो आपने तो जवाब दिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहि सलाम की सुन्नत है। इस सिलसिले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात से लेकर अपने वतन, अपने अहलो आयाल, यहाँ तक के अपना मुस्तकबिल और भविष्य जिसके साथ वाबस्ता और जुड़ा हुआ था उसके ऊपर भी छुरी चला दी और इस बात को साबित किया कि दुनियावी ज़िंदगी रब चाही होनी चाहिए, मन चाही नहीं। इस सिलसिले में गुज़स्ता हमारी बात यह पहुंची थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम को ये बात समझाई कि अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, जिन मूर्तियों को आप अपने हाथ से बनाते हो, इसकी परस्तिश और पूजा करते हो, वो कोई नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बाप ने कहा कि इब्राहिम, या तो बुतों को और मूर्तियों को बुरा भला कहना छोड़ दे या तुझे संगसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार दिया जाएगा, या तू वतन को छोड़ दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मामले में कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, अपने वतन को छोड़ दिया और चलते बने, इराक़ को छोड़ करके जा रहे हैं। ये सबक
कयामत तक के लिए उम्मत के सामने है, आने वाले इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा जैसी पाकीजा धरती और काबतुल्ला जैसी पाकीजा जगह, वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहना छोड़ा, हिजरत करके उम्मत के नाम यह पैगाम पहुँचाया कि अगर तौहीद के सिलसिले में, अल्लाह तबारक व ताला की रात के सिलसिले में अगर शिर्क की कोई बात आती है तो आप समझौता न करना, बल्कि इसको छोड़ देना, वतन चाहे वतन की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, लेकिन अल्लाह की रात में शिर्क न करना। वो लोग यही चाहते थे कि आप शिर्क, आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। आज हमने क्या मामूली तिजारत कर ली, क्या नौकरी पर लग गए, क्या बिजनेस कर लिया, क्या सियासत में आ गए, मामूली चीज़ों पर हमने गैरों के तरीकों को अपने अंदर ऐसे उठा लिया कि हम समझते हैं कि हमारे इस बिजनेस को बाकी रखने के लिए इन तमाम सूरतों की ज़रूरत है। इस सिलसिले में लंबी बहस है, मुझे यहाँ पर इसको जिक्र नहीं करना है, लेकिन हमें इस सिलसिले में समझने की ज़रूरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को अलविदा कहा और छोड़ करके वतन को छोड़ कर जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम इराक से निकले, इरादा किया फलस्तीन का, बीस रास्ते में मिस्र पड़ता था, मिस्र वाले रास्ते से वो फलस्तीन पहुंचते थे। तो मिस्र में ऐसा बादशाह रहता था कि जो किसी की खूबसूरत बीवी अगर कोई साथ में लेकर के जा रहा हो तो उसको बुलाता था और उसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किया करता था। हजरत इब्राहिम भी निकले हजरत सारा को लेकर के, हजरत हाजरा नहीं, हजरत सारा को लेकर के निकले, मिस्र पहुंचे। ये मामला हजरत इब्राहिम के साथ भी पेश आया। जब सारा को पकड़ करके ले गया वहां का आदमी, हजरत इब्राहिम इधर दुआ में मशगूल हो गए, उधर हजरत सारा की तरफ उसने गलत निगाह से हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में लकवा हो गया और लकवा में हाथ हो गया मुलविस। वो कहने लगा कि मुझे फालेज का असर हो चुका है, तो दुआ कर दे ये मेरा लकवा और फालेज खत्म हो जाए। हजरत सारा ने दुआ की, उसका हाथ अच्छा हो गया। फिर दूसरी मर्तबा भी गलत निगाह से उसने हाथ आगे बढ़ाया, दूसरी मर्तबा लकवा हो गया। फिर कहता है कि दुआ कर दे, दूसरी मर्तबा भी दुआ कर दी गई। आखिर में वो अपने इस कोशिश में नाकाम हुआ तो उसने हजरत सारा को छोड़ा और हजरत हाजरा जो बादशाह की बेटी थी वो हदिये में दे दी कि सारा ये तेरी खिदमत किया करेगी। तो हजरत हाजरा हजरत सारा के हाथ में दे दी कि आप अपने साथ इनको ले जाएं, ये आपको खिदमत के मौक़ों पर काम लगेगी। तो हजरत हाजरा को हदिये में दिया, वो बादशाह की बेटी है। हजरत सारा हजरत इब्राहिम के पास आए, बेटी को ले वो खादिमा को ले करके, बादशाह की बेटी को ले करके पूरा वाक्या और पूरी तफसील सुनाई और वो वहाँ से चलते बने। फलस्तीन अपना कियाम कर लिया। फलस्तीन कियाम करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल 86 ईयर के करीब हुई, कोई औलाद अब तक नहीं हुई। हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप ये मेरी जो खादिमा है मैं आपको दे देती हूँ, आप इनसे निकाह कर लें। चुनांचे हो सकता है हमारे यहाँ औलाद नहीं है, इनसे कोई औलाद हो जाए। तो हजरत हाजरा हदिये में आई हजरत इब्राहिम के, फिर उनसे निकाह हो चुका। निकाह के बाद एक औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये उनके बतन और उनके पेट से पैदा हुई। लंबी बहस है, मुझे वहाँ जिक्र नहीं करना है। हजरत इब्राहिम की पहली औलाद तो हजरत इस्माइल है, हजरत सारा से फिर हजरत इसहाक की पैदाइश हुई। हजरत इसहाक की जो बेटे हैं हजरत इसहाक के, वो याकूब है। याकूब का नाम इसराइल है, याकूब को इसराइल से जानते हैं। और हजरत याकूब की जितनी औलाद है इनको बनी इसराइल कहते हैं। उनसे बहुत सारे नबी आए, तमाम अंबिया वहाँ से हजरत इसहाक की नस्ल से आए हैं। अब
हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो बाकी थे वो हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की नस्ल से आए। तो आज जो फलस्तीन के झगड़े हैं वो इसी सिलसिले में झगड़े हैं। वो लोग यूं कहते हैं कि हजरत इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में हजरत याकूब ये हमारे पूर्वज है, वो लोग उनकी नस्ल से यहाँ नबी आए, तो फलस्तीन पर कब्जा हमारा होगा, यह हम रखेंगे। हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की नस्ल से सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी आए। अब हसद में उन लोगों ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया, कहते हैं कि सारे नबी आए हैं, अब फाइनल जो बॉल था, फाइनल जो चीज थी जहां पर जीतना था, हासिल करना था कुछ, तो वो नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से आए, तो कहा कि ये आखिरी नबी तो उनकी नस्ल से चले गए। तो उस हसद में उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुवत को तस्लीम नहीं किया और इसी झगड़े में रहे। और आज ये झगड़े इसी के हैं कि फलस्तीन हम सुपुर्द नहीं कर सकते। हाल ये है कि फलस्तीन फतह हो चुकी, मुसलमान इस पर काबिज हो चुके, हजरत उमर के जमाने में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में ये फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे में रही। फिर भी इस सिलसिले में लोग यूं कहते हैं कि यहां पर जुल्म हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, इस पर मुझे अभी बहस नहीं करनी है। हजरत इस्माइल अलैहि सलाम लूट पीटे बच्चे हैं। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म आया फलस्तीन में कि इब्राहिम आप अपने बेटे और अपनी बीवी को एक मैदान में छोड़ करके चले आए। फलस्तीन से मक्कतुल मुकर्रमा की मकदार है 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर। हजरत जिब्राइल को भेजा कि इनको बता दो कहाँ जाना है। हजरत जिब्राइल आगे उतनी लेकर के जा चल रहे हैं, हजरत इब्राहिम पीछे हैं, वो रास्ता बतला रहे हैं। मक्कतुल मुकर्रमा जहां पर अभी काबतुल्लाह बना हुआ है, उस जगह पर वो इमारतें नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के मौके पर मुदहनिम हो चुकी थी, गिर चुकी थी। उस इलाके पर पहुंचा दिया, लकोदक मैदान कोई चीज नहीं थी, वहां पर पहुंचा दिया। हजरत इब्राहिम हजरत हाजरा को छोड़ करके जा रहे हैं और कह रहे हैं कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। हजरत हाजरा ने देखा कि यहाँ पर तो कोई पूछते भी नहीं है। आखिर में हजरत हाजरा सवाल करती है, अब किसके हवाले हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम इतना कहते हैं मेरे रब का हुक्म है, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा कोई बात नहीं। हजरत इब्राहिम आ गए फलस्तीन, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर रहे हैं कि अल्लाह मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ, अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। 3 साल के बाद जवाब आया, आप जाएंगे, हाजरा को मिलेंगे, इस्माइल को मिलने के लिए मक्का फलस्तीन से जाएंगे। 3 साल के बाद आसमान से जवाब आया, और वो भी ऐसा मिलेंगे कि आप सवारी और उठनी पर से जमीन पर कदम नहीं रखेंगे, उठनी पर बैठे रहेंगे, मक्का जाएंगे और मुलाकात करके आप वापस आ जाएंगे। चुनांचे 4500 किलोमीटर का फासला तय करके फलस्तीन से मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा के दिल में भी कुछ अरमान थे कि 3 साल तक ये मेरा सरताज मुझसे अलग रहा, 3 साल की कहानियां मैं सुनाऊंगी कि पानी खत्म हो गया, खजूरे खत्म हो गई, मैं अपनी दास्तान सुनाऊंगी, मेरा सरताज खुश हो जाएगा, मेरे दिल की जो बातें थी मैं उनके सामने रखूंगी। ये 3 साल के बाद अभी औरत सुबह से लेकर शाम तक शोहर घर में नहीं होता, शाम को वो घर के झमेले अपने दिमाग में तैयार रखती है कि सास के साथ ये हुआ, फुना भाई के साथ ये हुआ, ये मसले सुनाने के लिए तड़प में रहती है कि कब शोहर आए। 3 साल की मुद्दत के बाद हजरत इब्राहिम पहुंचे, सवारी पर हैं। हाजरा ने कहा उतर जाइए, नीचे उतरिए। कहा कि रब का हुक्म उतरने का नहीं है, मैं नीचे नहीं उतर सकता। कहा कि आप नीचे उतरें तो मैं आपके पैर को धो दूं, आपके चेहरे पर पानी से, आपके चेहरे को पानी से धो दूं। कहा कि मेरे रब का हुक्म नहीं है, मैं नीचे नहीं उतर सकता। चुनांचे मकाम इब्राहिम के सिलसिले में एक रिवायत तो ये है कि जो मकाम इब्राहिम अभी काबतुल्लाह के बाजू में रखा गया है, इसको बंद किया गया है, वो मकाम इब्राहिम एक तो ये कि उसकी बुनियाद तामीर की, तो उस पर कदम रख के हजरत इब्राहिम ने इसको तामीर किया। लेकिन एक रिवायत
अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये लिखी है कि इस पर हजरत हाजरा ने वो पत्थर वहां रखा और पत्थर रख करके उसके ऊपर हजरत इब्राहिम को कहा इस पर आप अपने कदम रख दें। हजरत इब्राहिम ने उस पर कदम रखे तो हजरत हाजरा ने वो कदम आपके धो दिए और आपकी सफाई कर दी। सवारी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े तब्दील किए, खाना पीना जो भी कुछ था उसी सवारी पर हजरत इब्राहिम ने ये सब काम किया और ये सब काम करके अब रवाना हो रहे हैं। कहा दिल के अरमा दिल में रह गए। हजरत हाजरा इब्नु साद कहते हैं कि हजरत हाजरा दूर से देख रही है, जहां तक निगाहों से इब्राहिम ओझल नहीं हुए वहां तक देखते हैं कि इब्राहिम जब तो लिखने वाले इब्नु साद इतिहास निगार तारीख लिखने वाले हिस्ट्री लिखने वाले यूं लिखते हैं कि हाजरा इसलिए देखती थी कि 3 साल के अरमा तो दिल में रह गए और ये तो अपने दिल का घाव फिर से ताजा करके चले गए, कोई बात नहीं थी, 3 साल के बाद न आते तो अच्छा था, ये कह करके बस रवाना हो चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आ गए। आजकल हम अपने दुखरे सुनाते हैं मामूली मामूली शिकायतों पर। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मेवात की जमात की कारगुजारी सुन रहे हैं, तो मेवात की जमात की कारगुजारी में कोई बंदा अपने दुखरे सुना रहा था तो अल्लामा यूसुफ हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे तुम्हारा नबी 23 साल तक रोता रहा, 23 साल तक पत्थर खाता रहा, रातों की नींद उसको चैन से नहीं आई। वो नबी ने बयान करने तो वो दुखरे बयान करो, आप अपने 40 दिन 4 महीने के दुखरे बना करके यूं कहते हैं हमने बहुत कर दिया तेरे लिए, इस उम्मत के लिए तेरा नबी 23 साल तक बिस्तर पर चैन से नहीं सोया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन चले गए, अब कोई इजाजत नहीं। 5 साल के बाद फिर छुट्टी मिली कि इब्राहिम अब जाइए फिर हाजरा के पास जाइए। 5 साल के बाद फिर छुट्टी मिली, 5 साल के बाद फलस्तीन से फिर आए मक्का। अब एक पैगाम लेकर के आए। अल्लाह तबारक व ताला ख्वाब में कहते हैं अब मैं सबसे महबूब चीज अपने बेटे की कुर्बानी तलब करता हूं। लंबी बातें मैं मुख्तसर खत्म कर देता हूं। 5 साल के बाद पैगाम लेकर के आए। हजरत नबी का ख्वाब चूंकि सच्चा होता है वही होता है, नबी के ख्वाब के बारे में बात अतल होती है, इसलिए हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा से कहा बेटे को तैयार कर दे मुझे बाहर जाना है। चुनांचे इस्माइल को तैयार किया गया ज़बह करने के लिए उस जगह पर ले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना में, आज हाजी लोग मीना में पहुंच चुके क्योंकि यहाँ पर 7 ज़िलहिज्जा है, मक्कतुल मुकर्रमा वहां 8 ज़िलहिज्जा है। आज हाजी लोग अपने हज के पहले दिन में पहुंच चुके मीना, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। तो उस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे इस्माइल को लेकर के जा रहे हैं। पूरी दास्तान लंबी, वो हमको मालूम है क्या कुछ कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा बेटा अल्लाह का हुक्म है तुझ पर छुरी चलाना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं है, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, लेकिन मेरी 3 नसीहतें। इब्नु साद तारीख की किताब में लिखते हैं कि मेरी 3 बातें हैं, ये कि मेरा कुर्ता उतार लेना, मेरी माँ को दे देना, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है मेरी माँ को दे देना ताकि मेरी माँ कुर्ते को देख करके तसल्ली हासिल कर सके। नंबर 2 मुझे मेरे पैरों को बांध देना, जानवरों के पैर बांध देना बहुत आसान है, एक बेटे के पैर को वो भी ज़बह करने के लिए बांधना कोई दिल गवारा नहीं कर सकता। पैरों को बांध देना ताकि मैं तड़पा न करूं, मेरे जिस्म के आज़ा और अवयव हरकत न कर सकें, इनको बांध देना, ये बांध देना बहुत आसान। हजरत ये कुर्बानी ये सिलसिला इसीलिए कहा कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। हजरत थानवी अलैहि रहमा कहते हैं सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत थानवी अलैहि रहमा इस हदीस के तहत में लिखते हैं ओ उम्मती तेरा नबी तेरे लिए एडवांस कुर्बानी करके गया है,
तेरे लिए भी जरूरी है कि तू तेरी नबी के नाम की कुर्बानी कर। आज बस पैसे पैसे, इसको बचाने की फिक्र। शामियाने और शादी को लिए, शादी के लिए जब मंडप बनाए जाते हैं, इसके लिए पहले से प्रोग्राम प्लानिंग सब कुछ किया जाता है। तेरे नबी तेरे लिए एडवांस में कुर्बानी करके गया है, तो ये याद करके कुर्बानी करके मेरे नबी ने एडवांस में मेरे लिए कुर्बानी की है। तेरा नबी ने रात की नींद कभी चैन से तेरा नबी नहीं सोया है तेरे लिए, तू तेरे नबी के लिए कुर्बानी कर ले। तेरे नबी ने तेरे लिए पत्थर खाए हैं, तेरे नबी के नाम की कुर्बानी कर ले। तू बस अपनी दुनिया दुनिया में मत बसा कर। हजरत अली मियां नदवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि इतिहास लिखने वालों ने ताइफ के इतिहास में ये बात लिखी है कि नबी ने इतने पत्थर खाए हैं कि उनकी जूतियां खून से तर हो गई, अपने पैर जूतियों से चिपकने लगे। अगर वो तारीख लिखने वाला मेरे नबी का कुर्ता उठा करके देख लेता और कुर्ते के नीचे खून को देखता, तो वो तारीख में ये जुमला लिखता, तारीख में ये जुमला लिखता कि मेरे नबी को ऐसे सताया गया, ऐसे सताया गया कि जैसे तुम पानी से गुसल करते हो, मेरे नबी ने तो खून से गुसल किया है। तू तेरे नबी के लिए कुर्बानी किया कर, तू अपनी कुर्बानी की फिक्र किया कर। आज कुर्बानी के इस इतिहास को भुलाने की बात है। हम अपने औलादों के सामने कुर्बानी नहीं करते, हम यही सोचते हैं शादियों के लिए महंगे से महंगे मंडप का इंतजाम किया जाता है। कुर्बानी के लिए यही सोचते हैं कि सबसे कम दर्जे की कुर्बानी कहाँ अदा होती है। आज इस उम्मत को, हमारी नस्लों को कुर्बानी का सबक हम क्या पढ़ाएंगे। यही बात थी। हजरत इस्माइल कहते हैं मेरी दूसरी नसीहत, हजरत थानवी अलैहि रहमा इस बात को लिख करके कहते हैं तेरे नबी के लिए कुर्बानी कर, तेरा नबी कब्र में हयात है। और उन्होंने साबित किया कि इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात जो हैं उनके साथ निकाह जायज नहीं था उनके इंतकाल के बाद, इसलिए कि नबी अपनी कब्र में पर्दा फरमा चुके हैं, वह हयात है। नबी की विरासत को तकसीम नहीं किया जाता, इसलिए कि नबी हयात है अपनी कब्र में। वारसा तो उसका तकसीम होता है जो मर जाता है, तेरे नबी ने पर्दा किया है। खैर ये दूसरी बहस है। तो कुर्बानी, आदमी को ताकत है तो अपने नबी के नाम की कुर्बानी करनी चाहिए। हमें तो अपनी कुर्बानी के लाले हैं, इसको बुलाने की नस्लें क्या देखेगी, किस जानवर को कैसी कुर्बानी, क्या हकीकत है। हजरत इस्माइल तीसरी बात कहते हैं, ए अब्बा मेरी तीसरी बात, मुझे उल्टा लिटा देना। कुरान ने इस मंजर को क्या खींचा, फलम्मा असलमा, फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन, अपनी पेशानी के बल लिटा दिया, कबूल कर लिया दोनों ने अल्लाह की बात को। पेशानी इसलिए के जब आपकी आंखों में मेरी आंखें मिलेगी, बाप बेटे दोनों की आंखें टकराएगी, तो उस टकराने के वक्त बाप की शफकत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं मेरे बेटे पर छुरी चला दूं। आज बेटा को बुखार आ जाता है, मामूली कांटा चुभ जाता है, कोई मामूली तकलीफ हो जाती है, रात में आदमी चैन से नहीं सोता। वो बाप अपने बेटे पर 86 साल की उम्र में बेटा मिलता है, 100 साल की उम्र में 14 साल की उम्र बेटे की होती है, छुरी चला करके अल्लाह को पैगाम देता है, ये अल्लाह तेरा हुक्म है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज अपने बेटों को हम नमाज के लिए बेदार नहीं कर सकते। ये बात कही अल्लाह तबारक व ताला ने जब ये मंजर आसमान में देखा, अब करीब है इब्राहिम छुरी चलाएंगे, जिब्राइल को कहा जा, इब्राहिम ने अपना काम कर दिया। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक्ता रुया इन्ना कदालिक नजजिल मुहसिनीन वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, दुम्बा लेकर के जा, कह दे कि इब्राहिम तेरी ये कुर्बानी कबूल हो चुकी, इस्माइल के बदले में यह दुम्बा ज़बह कर दे। जिब्राइल ने देखा छुरी तैयार है, अगर मैं देर से पहुंचा हो सकता है छुरी चल जाए। वहां से कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किताबुन नवाजिल मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी ने इस बात को नकल किया है फिक्या के हवाले से कि तकबीर तशरीक का पसे मंजर क्या है, तो कहते हैं हजरत जिब्राइल ने देखा अल्लाहु अकबर पुकारा ताकि छुरी न चल पाए और वो रुक जाए। हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा, जिब्राइल डुम्बा लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, डुम्बा लेकर के नीचे आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे बदले में डुम्बा आ चुका, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
हम उम्मत को कहा गया कि आप 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक आप इसके लिए आपके लिए वाजिब है कि आप इसको दरमियानी आवाज जोर से मर्द हजरात जमात के बाद इसको अदा करें। औरतों के लिए भी ये वाजिब है, अलबत्ता औरतें अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करेगी। ये पूरी कुर्बानी का पसे मंजर है कि कहां से कैसे कुर्बानी हुई ताकि 3 दिन में ये कुर्बानी अदा होती है। बंदा समझे कि आखिर हकीकत क्या है कुर्बानी। इसी को कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं, अल्लाह को तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल के तकवे को देखना चाहता है। तुम्हारे यहाँ शादी की कदर कितनी है, कुर्बानी की कदर कितनी है, तुम्हारे यहाँ अपनों की कदर कितनी है, खुदा की कदर कितनी है, ये तकवा खुदा देखना चाहता है। फिर कुर्बानी कौन करता है? फिर जिस जज्बे के साथ कुर्बानी की जाती है, वह जज्बा जब खुदा के पास पहुंचता है, वह जानवर तेरे लिए जहन्नम से आर बन जाता है। इसी को कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा। इसलिए जरूरी है कि अपनी कुर्बानी अपने सामने जज्बे के साथ इसको, ये पूरे मंजर को याद करने की जरूरत है। आखिर क्या होता अगर मैं अपने औलाद पर छुरी चलाने का मुझे हुक्म दिया जाता? अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाल्लाह ईद के मौके पर। ईद की नमाज का वक्त 6:40 पर बयान शुरू होगा, 7 बजे नमाज शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बाहर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से जगह नहीं है नमाज पढ़ने की, तो इस वक्त इस साल इस ईद पर नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी इंशाल्लाह।